गाजियाबाद के लूनी इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर 5 बच्चों और उनकी ताई की दम घुटने से मौत हो गई। मामला लूनी बॉर्डर इलाके की मौलाना आजाद कॉलोनी का है, जहां पर 5 बच्चे और उनकी ताई एक कमरे में सो रहे थे। सर्दी ज्यादा होने की वजह से कमरा अंदर से बंद किया हुआ था। इसी दौरान कमरे में एक बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो गया और LED स्क्रीन में आग लग गई। आग लगने की वजह से पूरे कमरे में धुआं भर गया और 5 बच्चों का दम घुट गया। बच्चों की ताई का भी दम घुट गया। हैरत की बात यह है कि सुबह 9 बजे तक किसी को पता तक नहीं चल पाया कि कमरे के अंदर 5 बच्चे और उनकी ताई की मौत हो चुकी है। कमरा जब खोला गया तब हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। घटना के बाद सभी दुखी हैं और मामले की जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। बच्चों और उनकी ताई की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया भी की जा रही है। पूरे इलाके में दुख का माहौल है। ये घटना एक सबक भी देती है कि सर्दी के मौसम में अगर कमरा अंदर से बंद करके सो रहे हैं तो वहां पर किसी तरह का इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आपके लिए खतरा साबित हो सकता है, जिस तरह से इस घटना में हुआ है। एक मकान में एक आसिफ हैं, उनकी 3 बेटियां हैं, 5 साल 7 साल के बच्चे हैं, और एक राशिद हैं, उनके 2 बेटे हैं और एक परवीन है। ये लेडी थी, 30 साल इनकी लगभग उम्र है। ये सब लोग उस कमरे में सो रहे थे, छोटा सा एक वेंटिलेशन था उसमें और इस कमरे में अचानक रात में आग लग गई। अब वो एक LED वहाँ पर फटी हुई पाई गई है, जिससे लग रहा है कि शायद वो LED शॉर्ट सर्किट हुआ और जिससे कि वो LED ने आग पकड़ ली और उस कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड इतना भर गया कि वो सोते हुए बच्चे के नाक में सब चला गया और सफोकेशन से दम घुटने से उनको मौत हो गई।